मैं हूँ नरवाना के VPC वैल्यू प्लस कैंपस, वैल्यू प्लस कैंपस में हूँ। यहाँ की ना छोटी छोटी बातों को सिखाते हैं, टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे मतलब वो साइकोलॉजिकल हमें मतलब ट्रीट करते हैं कि इस बच्चे को ऐसे समझ में आएगा तो ऐसे ट्रीट करो। जिस बच्चे को इजिली समझ में आ जाता है उसको इजिली समझाते हैं, लेकिन कोई बच्चे ऐसे जीरो से स्टैंड करते हैं, जो बच्चों को जीरो से स्टार्ट करते हैं, ये मेरे को काफी अच्छा लगा। तो जिसको टीचर बनना है वो यहाँ पे जरूर आना, क्योंकि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं बच्चों। सर, एक माँ बाप का एक लड़की हो जाती है ना, वो माँ बाप उसी दिन से सीरियस हो जाता है। और मेरे पास तो सर इतनी बेटियाँ और इतनी बहनें हैं सर, मेरे को सीरियस तो नहीं। सो आई एम स्टैंडिंग हियर टू टेल यू ऑल ऑफ यू अबाउट वैल्यू प्लस कैंपस। एज यू कैन सी दीज आर आवर स्टाफ मेंबर्स, एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट एवरीवन हु इज इंटरेस्टेड इन टेकिंग कोचिंग फॉर एग्जामिनेशन लाइक HSSC, बैंकिंग एंड रेलवे एंड TVC. So you can, you people will find it very interesting. The syllabus here covered here, the base syllabus is covered here, and the test series is providing this institution is very amazing. You will firstly, the teacher will cover the syllabus. Every subject will be covered by questions and test series. And every week there is organized a test. So you people will enjoy it. सारे भाई ना भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चाहिए सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस टाइम नरवाना में हूँ, नरवाना के VPC वैल्यू प्लस कैंपस, वैल्यू प्लस कैंपस में हूँ, इकलौती ऐसी अकेडमी जहाँ पर लड़के कम लड़कियाँ ज़्यादा हैं। तो शुरुआत है और स्टार्टिंग है, एक के बाद हो गए शुरुआत और स्टार्टिंग है ना। तो वर्ड तो बहुत सारे हैं, वो बाहर नहीं निकल पा रहे मेरे। तो गिव ए बिग हैंड फॉर हमारे सर, जोरदार तालियां सर प्लीज। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, सभी ये जो मेरी छोटी छोटी बेबे बैठी हैं और नीचे बालक, सारे यूँ कहा भाई हमारे सर बड़े सीरियस मूड में रहे, ऐसा क्यों? सर ऐसी तो कोई बात नहीं है, फिर भी सर बच्चे गलत थोड़ा जज करेंगे, ठीक करेंगे जी। सर एक माँ बाप का एक लड़की हो जाती है ना, वो माँ बाप उसी दिन से सीरियस हो जाता है। और मेरे पास तो सर इतनी बेटियाँ और इतनी बहनें हैं सर, मेरे को सीरियस थोड़ा पड़ेगा। क्या बात, क्या बात। भाभी जी घर पे भी सर सीरियस रहो है? नो सर। हाँ जी सर। जी सर, तो घर पे भी आप सीरियस नहीं रहते? सर सीरियस नहीं है, आपको लग रहा है सीरियस नहीं है सर, थोड़ा हा कोई मतलब भी, कोई सर पता क्या है, कोई भी पद बड़ा नहीं होता सर, जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है। कोई भी पद, कोई पद बड़ा नहीं होता सर, जिम्मेदारी बड़ी होती है सर। हाँ बेबी को थी, मैं कह रही थी कि हमारे सर के ऊपर हम सबकी जिम्मेवारियाँ हैं, इतनी जिम्मेवारी होगी तो थोड़ा सा तो चेहरे पे आएगी ना ऐसी कि सीरियस हूँ मैं, इतनी लड़कियों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, अगर इनमें से किसी को भी कुछ भी होता है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। हम इनके फैमिली मेम्बर्स हैं, हम इनके स्टूडेंट नहीं हैं। क्या बात है, सही बात है। अच्छा एक बात मैं लड़कियों से पूछना चाहूँगा, आपके जो पेरेंट्स हैं ना हमेशा आपको लेके कहीं ना कहीं थोड़े से सीरियस रहते जरूर है ना, लेकिन हम उनको कभी सीरियस नहीं कहते, लेकिन सर को जरूर सीरियस बोलते हैं। माँ बाप एक लड़की के लिए जिंदगी भर चिंता में रहता है, लेकिन यहाँ पे सर की इतनी बहनें हैं, इतनी बेटियाँ हैं, तो कितनी टेंशन इनको होगी। पता नहीं कितने आपके कैंपस में रूम हैं, बड़े बड़े हॉल हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं और साथ में कितने लड़के भी हैं, तो यहाँ पर इनकी चिंता स्वाभाविक है। मानते हो ये बात? Yes, है ना। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका और ऐसा माहौल। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। इनको चिंता है इसलिए हमारे पेरेंट्स आराम से घर पे बैठे हैं, उन्हें हमारी कोई टेंशन नहीं है कि लड़कियां वैली प्लस कैंपस में गई हैं, मतलब शाम को सेफ आ जाएंगे घर पे। क्या बात है। अगर सर कोई लड़का चाहे गुस्सा की करना क्लास में, लेकिन जो सर हैं उनसे मोटिवेट होके तो सर जो बच्चा हरकत करना चाहता है क्लास में तो वो उसका इरादा बदल जाता है सर को। हाँ सर, ये बात सच्चाई, एनवायरनमेंट वाइब्रेशंस पॉजिटिव होंगी तो इरादा बदल जाता है। सर को देख के सर उनको इतना मोटिवेट करते हैं, अगर खुद अगर कायदे कानून में सर रहते हैं तो बच्चे तो ऑब्वियसली रहेंगे उनके। क्या सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम सीमा नैन फ्रॉम नरवाना, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ वैल्यू प्लस कैंपस, 2611 वैल्यू प्लस कैंपस। सो आई एम स्टैंडिंग हियर टू टेल यू ऑल ऑफ यू अबाउट वैल्यू प्लस कैंपस। एज यू कैन सी दीज आर आवर स्टाफ मेंबर्स,
एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट एवरीवन हु इज इंटरेस्टेड इन टेकिंग कोचिंग फॉर एग्जामिनेशन लाइक HSSC बैंकिंग एंड रेलवे NTPC. So you people will find it very interesting. The syllabus here covered here, the base syllabus is covered here, and the test series is providing this institution is very amazing. You will firstly the teacher will cover the syllabus. Every subject will be covered by questions and test series, and every week there is organized a test. So you people will enjoy. Nirvana se belong karti hu. Sir, maine matlab kahi center mein maine जाके भी देखा, वहाँ पे स्टडी भी की, और एक्चुअली मैं खुद एक टीचर हूँ, दिल्ली में मैं जॉब कर चुकी हूँ एज ए PG टीचर. तो मैंने यहाँ की ना छोटी छोटी बातों को सीखा कि टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे मतलब वो साइकोलॉजिकल हमें मतलब ट्रीट करते हैं कि इस बच्चे को ऐसे समझ में आएगा तो इसको ऐसे ट्रीट करो. जिस बच्चे को ईजिली समझ में आ जाता है उसको ईजिली समझाते हैं, लेकिन कोई बच्चे ऐसे जीरो से स्टैंड करते हैं, जो बच्चे उनको जीरो से स्टार्ट करते हैं वो, ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा. तो जिसको टीचर बनना है वो यहाँ पे जरूर आना, क्योंकि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं बच्चों को. तो मेरा मैं मतलब बेटी हूँ भिवानी की, तो मैं अपने ब्रदर को भी लेके आई यहाँ पे कि वहाँ पे तो कोचिंग कर मेरे साथ, बहुत अच्छा सेंटर है. तो वो भिवानी से, देखो मतलब डिस्ट्रिक्ट है और ये तो छोटा सा शहर ही है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट से वो यहाँ पे कोचिंग करने के लिए आया और उसका भी सिलेक्शन हो गया दिल्ली में. ठीक है, तो फिर मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगा. टीचर जैहिन सर जैसे वो यहाँ पे माहौल बना रखा है उन्होंने सब बच्चों के लिए, छोड़ जाते हैं घर वाले यहाँ पे जैहिन सर के वाले कि आप यहाँ पे ट्रीट करना, हमें इनके कोई टेंशन नहीं है, घर वाले अपने काम पे चले जाते हैं. तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होती है सीधा जैहिन सर के पास जाते हैं, ना घर वालों को फोन करना ये प्रॉब्लम हो गई आओ तुम सोल्व आउट करो, सीधा जैहिन सर के पास जो किसी को कोई प्रॉब्लम है. तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा माहौल है नरवाना जैसे छोटे से शहर में, जहाँ पे लड़कियाँ बस घर से निकलेगी नहीं कि उनको लगता है कि कहाँ हम अनसिक्योर हो गए हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे एंट्री करो होता है कि हाँ बस घर में आ गए हैं, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती. तो सर का तो मैं थैंक यू बोलूँगी कि मतलब इसने मतलब कंजर्वेटिव एरिया में इतनी अच्छी सबको फैसिलिटी दे रहे हैं, बॉयज़ को भी गर्ल्स को भी. और मैं अपनी अगर ये सेंटर एक्चुअल रहेगा अपनी बेटी को भी यही कोचिंग करने के लिए भेजूंगी. तो बहुत सर को अप्रिशिएट करते हैं, सपोर्ट करते हैं. थैंक यू सर इतना अच्छा माहौल देने के लिए, इतना अच्छा सेंटर नरवाना में खोलने के लिए. थैंक यू वेरी मच. सर मैं सीमा सुलझाखेड़ा से हूँ और यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा. 3 महीने की तैयारी करके मैंने CTET पास किया, उसके बाद 3 महीने की तैयारी में STAT पास किया, उसके बाद मैंने बहुत अच्छी तैयारी की है. और घर वाले पूछते हैं कब तक जाओगे, मैं जब तक सिलेक्शन नहीं होता जब तक मैं नहीं जाऊँ घर पे नहीं रहूँगी, सेंटर में जाऊँगी तैयारी करूँगी बहुत अच्छे से. मैं आप सर के दर्शकों को बोलना चाहूंगी कि इनकी हेयर स्टाइल की ना सभी लड़कियाँ मोस्टली फैन है. थैंक यू. तो भाई ये वीडियो सिर्फ इतनी, इसके बाद मुख्य वीडियो मेन वीडियो शुरू होगी VPC, और देखते हैं कितनी गैदरिंग है, क्या कुछ बातें होंगी. तब तक के लिए धन्यवाद. जय हिंद भारत माता की. Yeah!